जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकियों के लिए बुरी खबर सामने आ रही। दरअसल जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने पैसा दिया, गोला बारूद दिया, बम दिया ताकि वो जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाएं, और अब वो जहन्नुम जा चुके हैं। यानी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ खत्म हो गई। सुरक्षा बलों ने 3 अधिकारियों की शहादत का बदला आखिरकार ले ही लिया। कोकरनाग के पीर पंजाल की पहाड़ियों पर छिपे लश्कर तैयबा के कमांडर उज्जैर खान को ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने उज्जैर खान के साथ एक आतंकी का शव भी बरामद किया। जम्मू कश्मीर के ADGP पुलिस विजय कुमार ने बताया कि लश्कर कमांडर उज्जैर खान को मार दिया गया। सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा, अभी हम लोग काफी एरिया का सर्च करना बाकी है। बहुत सारे ब्लैंड सेल होगा, उसको भी हम लोग रिकवर करके उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। और आवाम से अभी अपील करते हैं कि स्पॉट पर कोई नहीं जाए, क्योंकि बहुत सारे ब्लैंड से ग्रेनेड की संभावना है वहाँ पर है। टोटल हम लोगों के 203 का खबर था, हो सकता है तीसरा डेड बॉडी भी कहीं मिले। इसलिए सर्च पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ, सर्च पूरा करें कम्प्लीट करेंगे। अभी तक उज्जैर खान LET कमांडर का बॉडी मिल गया, उसको रिट्री भी कर लिया हम लोग। एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है। सर्च ऑपरेशन अभी जारी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे एरिया खाली है, ब्लैंड सेल है, उसको इकट्ठा करके डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और तीसरा डेड बॉडी मिलिटेंट का भी नहीं मिला है, उसको भी हम खोज रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे 3 ऑफिसर कलीग शहीद हुए, एक जवान भी शहीद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने कोकरनाग में आतंकियों के खिलाफ यह ऑपरेशन 12 सितंबर को शुरू किया था, जिसके अगले दिन मुठभेड़ में सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। इसके बाद आतंकी वहां से भाग गए थे। इन्हीं आतंकियों की तलाश के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। इन आतंकियों में लश्कर तैयबा का कमांडर उज्जैर खान भी शामिल था। इस मुठभेड़ में उज्जैर का शव भी बरामद कर लिया गया। जिस इलाके में ये छिपे हुए थे वो कोकरनाग का गैरोल गांव है, इसी वजह से सेना ने इसका नाम ऑपरेशन गैरोल रख दिया। बता दें, जो खुलासा हो रहा है उसके अनुसार पिछले हफ्ते हुए आतंकी हमले की पूरी जिम्मेदारी TRF ने ली। यह आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का ही एक शाखा है जो कश्मीर में ऑपरेट करती है। ये बात साफ हो गई कि इन आतंकी हमले के पीछे असली हाथ आतंकी उज्जैर खान का ही था। लश्कर के आतंकी उज्जैर खान पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था। इसके अलावा बारामूला की बात करें तो बारामूला में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। यह आतंकी उरी सेक्टर में LOC के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसे नाकाम कर दिया गया। खैर, कश्मीर में लोग अमन चैन से जी रहे, ये चीज पाकिस्तान को पच नहीं पा रही। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में दिन रात खून खराबा हो। हालांकि अब पाकिस्तान चाहे जितने हथियार कश्मीर में पहुंचाए, चाहे जितने आतंकियों को जंगलों के रास्ते कश्मीर में घुसपैठ कराए, सब पकड़े जाएंगे और सब इसी तरह मार दिए जाएंगे जैसे उज्जैर खान मारा गया। आपका क्या कुछ कहना है भारतीय सुरक्षा बलों की सफलता पर, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।